बादल फटने से सिरमौरी ताल में तबाही की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। 150 बीघा भूमि तहस नहस हो गई है, तो वहीं एक मकान के अंदर पूरा परिवार दब चुका है। हालात इस तरह के पैदा हो गए हैं कि लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बादल फटने की जो तस्वीरें सामने आई थी वह चौंकाने वाली थी। देर रात पूरी प्रशासन की टीम और स्थानीय विधायक लगातार प्रयास करते रहे। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब के सिरमौरी ताल में बादल फटने से भारी तबाही की सूचना मिली है। देर शाम जंगल में अचानक बादल फटा, जिसके सैलाब ने जंगल, सड़क और सिरमौरी ताल गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। पांवटा एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा ने कहा कि जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं, मशीनें लगाई गई है, गाँव तक पहुँचने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल चिलाई पांवटा साहिब एनएच पर सतौन और राजबन के बीच कोई सफर ना करे। नुकसान की पूरी जानकारी मौके पर पहुंचकर ही बताई जा सकती है। बादल फटने से सिरमौरी ताल में तबाही की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। 150 बीघा भूमि तहस नहस हो गई है, तो वहीं एक मकान के अंदर पूरा परिवार दब चुका है। हालात इस तरह के पैदा हो गए हैं कि लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बादल फटने की जो तस्वीरें सामने आई थी वह चौंकाने वाली थी। देर रात पूरी प्रशासन की टीम और स्थानीय विधायक लगातार प्रयास करते रहे। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब के सिरमौरी ताल में बादल फटने से भारी तबाही की सूचना मिली है। देर शाम जंगल में अचानक बादल फटा, जिसके सैलाब ने जंगल, सड़क और सिरमौरी ताल गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। पांवटा एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा ने कहा कि जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं, मशीनें लगाई गई है, गाँव तक पहुँचने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल चिलाई पांवटा साहिब एनएच पर सतौन और राजबन के बीच कोई सफर ना करे। नुकसान की पूरी जानकारी मौके पर पहुंचकर ही बताई जा सकती है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए पांवटा साहिब से दीवान शर्मा की रिपोर्ट।